स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा तो आप सभी देख ही रहे होंगे, जिसमें आपको कई फेमस कलाकार नजर आते हुए नजर आ रहे होंगे और उन्हीं में से एक अभिनेत्री है माधवी गोगटे, जिनकी एक्टिंग और उनकी अदायगी को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे। वहीं इनके अचानक कोविड-19 से मौत होने की वजह से इनके फैंस और कई कलाकार बेहद दुखी हैं। वहीं इनके निधन की खबर को सुनते ही कई नेट यूजर्स और बाकी कलाकारों की तरह ही रूपल त्यागी ने भी उनके निधन की खबर को सुनकर अपनी रिएक्शन दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बाकी नेट यूजर्स की तरह ही रूपल त्यागी ने माधवी गोगटे के निधन की खबर को सुनकर क्या रिएक्शन दिया है और उनका इनके साथ क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुपमा सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्री माधवी गोगटे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं बता दें, माधवी ने रविवार को अपनी अंतिम सांस ली थी और इनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों से ये कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से इन्हें मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर अचानक रविवार को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और इनका निधन वहीं हो गया। वहीं आपको बता दें, सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में रूपल त्यागी ने माधवी गोगटे के साथ काम किया था और काम के दौरान इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और तभी से अभिनेत्री रूपल त्यागी इनकी काफी रिस्पेक्ट करती थी और इनकी हर बात को मानती थी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच सीनियर और जूनियर का कनेक्शन था। और जब इन्हें पता चला कि माधवी गोगटे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है तो उन्हें काफी बड़ा सदमा लगा है और वे काफी इमोशनल होकर रोने भी लगी और साथ ही उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि माधवी, अभी तो आप सिर्फ 58 वर्ष की ही थी और आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके साथ और भी काम करना चाहती थी, पर आपने तो मुझे अपने साथ काम करने का मौका ही नहीं दिया और आप इस दुनिया से अलविदा हो गयी।